अरे फायर फोर्स आ गया। क्या हुआ पापा, क्या बात है? आपको कोई टेंशन है क्या? आज एक रजिस्टर खत आया था, उसने ही उसे लिया था। तब से कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके रखा है उसने। कैसा रजिस्टर खत? वो इससे पहले तो उसने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने कई बार पूछ लिया, कुछ खुलकर बताएगी तब समझ में आएगा ना। क्या हुआ होगा? अब ये क्या नई परेशानी है? ये क्या है? अच्छा, इतनी सी बात, इस वजह से इतना तूफान खड़ा हो गया? इतनी सी बात, हंस कर नजरअंदाज करना कोई आसान बात है क्या? वंदना कमीशन से आया हुआ नोटिस है ये, आपका स्टाफ है कंप्लेंट देने वाला। वो सब मेरी समझ में आ गया, उन्होंने जो शिकायत की उसी वजह से मुझे ये लेटर भेजा गया है। इतना ही ना, मैं सामने से जाकर मामला सुलझा दूंगा, सारा का सारा केस ही खत्म। कैसे खत्म होगा? आपने उसे डराने की कोशिश की थी, ऐसा केस है। इस झूठी शिकायत को कैसे हैंडल करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। झूठी शिकायत? जो शादीशुदा नहीं है वो जवान लड़की ऐसी कंप्लेन देगी? मतलब तुम्हें मुझसे ज्यादा उस नालायक महिला संगठन के लोगों पर भरोसा? यही ना, देखो मंजू, इन सब बातों पर ध्यान मत दो प्लीज। कल ही अखबार वाले खबर छाप देंगे, चैनल के लोग खुशियां मनाएंगे, तब क्या? अखबार न्यूज वाले क्या बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तकलीफ तो ये है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। तो फिर मैं लोगों का चेहरा कैसे देख पाऊंगी? ओह, तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम है कि तुम लोगों को चेहरा कैसे दिखाओगी और कैसे जियोगी? इस संकट के घड़ी में खड़े रहने के बजाय तुम सिर्फ और सिर्फ केवल अपने बारे में ही सोच रही हो। देखो मंजू, छुओ मत मुझे। आक्रमण, क्रिमिनल शक्ति के साथ मिलकर एक औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का एक झूठा इल्जाम, IPC 354। अरे बाप रे, इतना बड़ा संभव है क्या इस किताब के मुताबिक? तुम कुछ भी हाथ में मत निकालो। अरे जितनी उसकी उम्र है अगर उसके मुताबिक देखा जाए तो वो ये कंप्लेंट कर ही नहीं सकती। नहीं चाहिए ना, हमारे महिला संगठन के लोग और कविता काफी है उसे चने के झाड़ पर चढ़ाने के लिए। इस तरह से अचानक पेटीशन देने के पीछे आखिर कारण क्या है, बताओ मुझे। ये परेशानी खड़े हुए काफी दिन हो गए हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही कुछ गुंडे ऑफिस में आकर वहाँ पर झगड़ा कर रहे थे। उसने जो मनमानी दिखाई तो सर आपने उसे क्यों डरा? उस दिन ऑफिस में जो गुंडा आया था ना, मुझे देख कर बाइज्जत उसने चाकू गिरा दिया। शक करने के लिए इतना ही काफी है ना। अच्छा हुआ कि वो सुबह सुबह आ गया था, नहीं तो मेरे हाथों से कोटेशन मिलता। क्या वैसे मंजू का बर्ताव तो मुझे समझ में आ रहा है, और पति परेशान है उसके साथ खड़े होने के बजाय। अरे यहाँ किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, इस केस को मैं फूल जैसे जीत कर दिखाता हूँ। एडवोकेट आनंद कट्टन कौन है ये मैं उनको बताऊंगा। इतने दिनों तक हमें मानसिक रूप से शारीरिक रूप से जो परेशानी दे रखी है, डरा कर रखा है, उन सबका एक एक करके मैं कोर्ट में खुलासा करूंगा। कोर्ट में इंसान के रूप में मैं एक शेर हूँ, केस ऊपर नीचे होगा, वादी प्रतिवादी होगा, सबको हिला कर रख दूंगा, सबूत पेश करके कोर्ट में सफाई दूंगा मैं। IPC 193, निरोशा हिल जाएगी, जो बराबर के हक जताने वाली है वो सब भाग जाएंगी, जिस रास्ते से जाएंगी वहाँ घास तक नहीं उगेगी, समझ गए तुम लोग? गोविंद कुट्टी, साइन करो, मेरी इज्जत का सवाल है। कॉलोनी के लोगों के सामने मैं कोट पहनकर यहाँ वहाँ भटकने वाला बेवकूफ वकील नजर आता हूँ। एडवोकेट आनंद क्या चीज है उन्हें साबित करके दिखाना है, जिसे टकराना टकराए। सर क्या हो गया, जंगल से शेर आ गया क्या? सर कुछ औरतें आई हैं केस के सिलसिले में। तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं जी नहीं पाऊंगी, तुम मुझे धोखा दोगे क्या? अरे डोंट बी सिली, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? जब भी मैं शादी की बात करती हूँ तुम टाल देते हो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। यही लड़के और लड़कियों में फर्क होता है, तुम लड़कियाँ हमेशा सपनों में ही जीती रहती हो, पर हम लड़के ऐसे नहीं होते, वेरी प्रैक्टिकल। तुमसे शादी करके भले ही मैं भूखा रहूं, पर तुम्हारे साथ मैं पूरी जिंदगी रहना चाहता हूं। मुझे भरोसा है कि हम दोनों एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। वेलफ्रेंड महाराज अभी भिखारी बन गया है क्या? हे कम ऑन निरोशा, बिजनेस में बहुत सारा पैसा लगाया है, उसे मैं तुरंत निकाल नहीं सकता हूँ, और मुझे अभी दुबई प्रोजेक्ट में भी 50 लाख रुपए की बहुत जरूरत है, अदरवाइज मैं सब कुछ खो दूंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अच्छा तो ये बात है,
इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हर रोज तुम्हारे बैंक में करोड़ों का टर्नओवर होता है ना? उसमें से थोड़ा पैसा निकाल कर मुझे दे दो। तुम्हारा मतलब? मेरा मतलब ये है कि एक छोटा सा एडजस्टमेंट, तुम कैसे भी करके मुझे पैसे दे दो, मैं 2 महीने में लौटा दूंगा। क्या तुम्हें भरोसा नहीं? चुप रहो। इट्स नॉट एज सिंपल एज यू मेक इट सीम। गोविंद कुट्टी के बारे में तुम नहीं जानती। क्या वो रोज आकर लॉकर का पैसा थोड़ी गिनता होगा? तुम हर रोज की तरह पैसे को वहीं पर रखना, वो आदमी उस पर ध्यान नहीं देगा। फिर भी मेरे जरिए तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो? ये सब हम दोनों की खुशी के खातिर है। हम भी ऐसे सपने काफी दिनों से देख रहे हैं कि हम दोनों को एक साथ जीना है। हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करूंगी। आई प्रॉमिस टू यू। अरे बाप रे, ये कोई इंसान है क्या? साथ में काम करने वाली लड़की को डराने का सोचा तो? ये आदमी इतना चीप है, ऐसा हमने सोचा भी नहीं था। अरे मुझे तो ये कोई बड़ा मसला जैसा दिखाई दे नहीं रहा है। मौका मिलने पर हर मर्द यही करता है। मेरी प्यारी मंजू, अपने पति को अपनी जान से ज्यादा प्यार करने वाली मंजू, तुम ये सब कैसे बर्दाश्त करती हो? सही बोला, इस तरह से शांति से बर्ताव करने वाली कोई लड़की अपने कॉलोनी में है क्या? सब कुछ उसके पति के मर्जी के मुताबिक, गोविंद कुट्टी के खिलाफ एक शब्द तक नहीं उठाती। अब हमें ज्यादा बोल के क्या फायदा? अब तो एक बच्चे की माँ है ये, कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं इसकी जगह होती तो कब का रिश्ता तोड़ देती। जो होना था वो सब हो गया। मेरी जानकारी के हिसाब से इस परेशानी का हल निकालने का एक ही रास्ता है। तुम मंजू अपने पैर पर खड़ी हो जाओ। जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उस मंजू को काम आसानी से मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना। देखो मंजू, अगर हम अपने पैरों पर खड़े हो गए तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बेशर्मी से इनके सामने हाथ फैलाने की वजह से ये हमारी वैल्यू नहीं करते। आज से मंजू के काम का सिलसिला, हर एक चीज का देखभाल करना, ये सिर्फ तुम्हारी चिंता नहीं है, ये सब हमारा दिया गया वादा है। मंजू, तुम इस मेंबरशिप फॉर्म पे साइन करो। सोचो मत मंजू, सोचो मत, साइन करो, साइन करो, प्लीज करो। कंग्रेचुलेशंस, ये आपके लिए। ये आपके लिए मम्मी। हाँ, बढ़िया है। थैंक यू। हाय। खोलो। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। मंजू, तुमने मुझे हरा दिया। मैं पुराने जमाने का इंसान हूँ और मेरी सोच भी पुरानी है, पर तुमने मेरी आंखें खोल दी। अगर देखा जाए तो हम मर्द स्वार्थी होते हैं। एक लड़की से शादी करने के बाद वो सही से खाती है क्या, सोती है क्या, हम इस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि हम तो उसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करते। 10-20 साल मेहनत करने के बाद माँ बाप के आशीर्वाद के साथ हम दोनों एक नए घर में जा रहे हैं। लड़की के सुख दुख को सोचकर परेशान होने वाले माँ बाप उसकी शादी एक ऐसे घर में कराते हैं जहाँ उसे कोई परेशानी ना हो। उसी तरह मैंने भी सोचा कि मेरे माँ बाप को कोई परेशानी ना हो, उसका सारा बोझ मैंने तुम पर डाल दिया। उसके बावजूद भी तुमने अपनी जिम्मेदारी बखूबी तरीके से निभाई। ये हमेशा गाँव में चलने वाला है ना? हाँ, अरे ये हमेशा ऐसे थोड़ी ही चलेगा। अब हम लोग थोड़ा बदलेंगे, क्या कहती हो? हम दोनों आज ही तुम्हारे घर चलते हैं। 15 दिन अपनी पत्नी के मायके रहूंगा, इसी बहाने तुम्हें माँ बाप को समझने का एक और अच्छा मौका मिलेगा। सही कहा ना मैंने? और वहाँ जाने के बाद तो तुम्हें ऑफिस जाने में भी आसानी होगी। लेकिन कुट्टी, वो तो तुम्हारे लिए दूर होगा ना? अरे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। और अभी मेरी थोड़ी छुट्टी भी बाकी है। अप्पू का मामला? तुम उसकी फिक्र मत करो, हर वीकेंड में उसे तुमसे मिलाने लाऊंगा। फिर गाड़ी में तुम भी तो आ सकती हो ना? अच्छा, बहुत टाइम हो गया, चलो हम तैयार हो जाते हैं। ठीक है। हाँ भाई, हाँ हाँ भाई।